नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, फर्स्ट ईयर के 3 पेपर हो चुके हैं, आज ये सेकेंड ईयर का तीसरा पेपर लेके आए हैं, तो दोनों के 3-3 पेपर हो चुके हैं। साथ ही कल से आपके वर्कशॉप के साइंस के पेपर चलाएंगे, इसके बाद में दूसरे ट्रेड के पेपर देंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर भी हल करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करिए तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, और जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप ITI स्टूडेंट हो, भले किसी भी ट्रेड से या किसी भी ईयर से, तो इस चैनल के माध्यम से ITI की आपको पल पल की अपडेट दी जाती है। साथ ही आपको ITI की सभी प्रकार की क्लासें मिल जाएगी और साथ ही पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको इन पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अपलोड करने के बाद में पेपर की PDF फाइल भी अवेलेबल करा दी जाती है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, लगभग 50 क्वेश्चन वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन जो वापस से एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपकी ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का पेपर नंबर 3 है। इससे पहले अगर अभी तक आपने 2 पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप भी प्ले लिस्ट में जाओ या वीडियो में जाके कहीं भी जाके पूरी वीडियो अवश्य देखे। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करिए, अब स्टार्ट करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और आपका पहला क्वेश्चन है, जिन केबलों में इस्पात की आर्मिंग होती है उस केबल को कैबिनेट के साथ खालिस्तान के द्वारा जोड़ा जाता है। तो बताओ दोस्तों, किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो दोस्तों, से ग्लैंड के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके साथ? ग्लैंड के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल कैबिनेट में 3 फेज 415 वोल्ट की पावर परिपथ में प्रयुक्त केबल का रंग होता है। तो बताओ दोस्तों, इसमें पावर परिपथ में प्रयुक्त केबल का रंग किस प्रकार का होगा? तो दोस्तों वो होता है काला रंग। किस प्रकार का होता है? काला रंग। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कंट्रोल केबल में केबलों की संख्या अधिक होने पर केबल को बिछाना चाहिए। तो बताओ दोस्तों, अगर केबलों की संख्या अधिक है तो केबलों को कैसे बिछाना चाहिए? तो दोस्तों, उन्हें हमेशा केबलों के अंदर PVC चैनल में बिछाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कंट्रोल परिपथ में DC सप्लाई के ऋणात्मक यानी नेगेटिव केबल का रंग कैसे होता है? तो बताओ दोस्तों, नेगेटिव केबल का रंग किस प्रकार का होगा? तो दोस्तों वो होता है आपका सफ़ेद। क्या होगा? सफ़ेद। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कंट्रोल कैबिनेट में निम्न वोल्ट 1 वोल्ट या 5 वोल्ट के बीच के लिए प्रयुक्त केबल होती है। तो बताओ दोस्तों, 1 या 5 वोल्ट के लिए कौन सी केबल प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों वो होती है आपकी PVC इंसुलेटेड स्क्रीन केबल। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन आपका 6 नंबर है दोस्तों, तो 6 नंबर क्वेश्चन में ज़रूर देखिए आप। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर ले दोस्तों, मोटा होगा ये, एक मिनट। ये लो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, हाँ क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न चित्र में दर्शाए गए, एक बार इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, ये लो, हाँ, चित्र में, निम्न चित्र में दर्शाए गए स्टार पुश बटन को रिलीप करने के बाद कॉन्टेक्टर कुंडली ऊर्जित यानी एनर्जी रहेगी। तो इसे ऊर्जित करने के लिए चित्र में प्रयुक्त तत्व खालिस्तान का कार्य है। तो बताओ दोस्तों, इसमें इसका प्रयुक्त कार्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका प्रयुक्त कार्य है, यानी आपका जो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों इसमें आपका जो C1 है, कौन सा C1, वो क्या है इसका ऑन ऑफ करने का कार्य कर, यानी ये आपका C1 है, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। क्या आएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कॉन्टेक्टर में प्रयुक्त आर्मेचर क्रोड होता है। तो बताओ दोस्तों, कॉन्टेक्टर में प्रयुक्त आर्मेचर क्रोड कैसा होता है? तो दोस्तों वो होता है दोस्तों आपका पटलित सिलिकॉन स्टील। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट दोष से बचने के लिए कंट्रोल केबल में प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। तो बताओ दोस्तों, कौन सी युक्ति होगी वो? तो दोस्तों वो होगी आपकी MCB यानी मिनी सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर होते हैं। तो बताओ दोस्तों, वो कौन से होते हैं? दोस्तों वो होते हैं आपके यांत्रिक प्रकार के होते हैं, वोल्टेज संवेदी भी होते हैं, धारा संवेदी भी होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
मोटर परिपथ में एक विश्वसनीय सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर लगा होने पर यदि मेन सप्लाई के फेज अनुक्रम बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो बताओ दोस्तों क्या होगा, तो मोटर नहीं चलेगी। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फ्यूज वायर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों फ्यूज वायर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो वो थी दोस्तों उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पावर ट्रांजिस्टर थायरिस्टर की अपेक्षा होता है। तो बताओ दोस्तों कैसा होता है? तो वो था दोस्तों अधिक स्विचिंग स्पीड वाली। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, एक बीजेटी में खालिस्तान होता है। तो दोस्तों ये आपका एक ट्रांजिस्टर है, तो ये पूछ रहा है कि एक बीजेटी में खालिस्तान होता है। तो बताओ दोस्तों बीजेटी में क्या होता है? तो उसमें दोस्तों तीन परत होती है। क्या होती है? तीन परत। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? सी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बीजेटी का एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में कौन से क्षेत्र में होता है? तो बताओ दोस्तों इसमें कौन से क्षेत्र में होगा? तो दोस्तों वह सक्रिय क्षेत्र में होगा। क्या होगा? सक्रिय क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका, मोसफेट को पीसीबी में लगाते समय सावधानी अपनानी चाहिए। तो पीसीबी क्या है? प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर। तो इसको लगाते समय क्या सावधानी अपनानी चाहिए? तो बताओ दोस्तों क्या सावधानी आएगी? तो दोस्तों इसमें आती है आपका जो होता है, यानी इसमें तकनीशियल को अपने हाथ में मीटरिंग लगाकर अर्थ लग कर लेना चाहिए, सोल्डर आयरन का अर्थ होना चाहिए और मोसफेट की सभी लीड एक धातु रिंग द्वारा लघुपथिक कर देनी चाहिए, सोल्डरिंग के बाद धातु रिंग उतार देनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों इसका डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसी ड्राइव के अंदर डीसी को एसी में परिवर्तित करने व आवश्यक आवृत्ति प्राप्त करने के लिए परिपथ में उपयोग होने वाली युक्ति है। तो बताओ दोस्तों कौन सी युक्ति आएगी? तो दोस्तों आएगी 1GBT। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपका, यदि संट मोटर केवल आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल किए जाए तो संट मोटर की केवल क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों वो होगी सामान्य से कम चाल प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका, निम्न चित्र में डायोड CR6 का कार्य है। तो बताओ दोस्तों इसका कार्य क्या है? यानी CR6 यानी दोस्तों यहाँ पर आप देखो CR6 कहाँ पर है दोस्तों? डायग्राम में देखो CR6 ये, तो इस डायोड का हमें कार्य पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य होगा दोस्तों फील्ड में धारा अग्र दिशा में प्रवाहित करना और धारा प्रवाह बनाए रखना। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19 है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की ड्राइव में खालिस्तान होती है। तो बताओ दोस्तों क्या होती है? तो वह फील्ड सप्लाई यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें आएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर कंट्रोल में उच्च तापमान पर मोटर को स्टॉप करने के लिए जो युक्ति कंट्रोल सर्किट में उपयोग की जाती है वह है। तो बताओ दोस्तों कौन सी युक्ति है वह? तो दोस्तों वो आपकी थर्मिस्टर। क्या है? थर्मिस्टर। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, तो इसमें एक तीन फेज मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम द्वारा कॉन्टेक्टर सहित वायरिंग करने के बाद ड्राइव में डाटा फील्ड कहलाता है। तो बताओ दोस्तों ये डाटा फील्ड क्या कहलाएगा? तो दोस्तों ये आपका कहलाएगा बी, यानी आगे आपके आएगी क्वांटिटी कम्युनिटी। तो इसकी क्वांटिटी कम्युनिटी इसका करेक्ट आंसर क्या, यानी 21 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर में आप ये डायग्राम देख रहे हो। अब इस डायग्राम में क्या पूछ रहा है ये भी देखो आप। तो दोस्तों इसमें आपको पूछ रहा है, निम्न चित्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है। इस चित्र में युक्ति F1 का नाम व कार्य है। तो बताओ दोस्तों इस F1 का नाम व कार्य क्या है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो इसका नाम व कार्य क्या है दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपका HRC फ्यूज बैकअप फ्यूज है। तो करेक्ट आंसर क्या रहा है? लगभग सभी को पता होगा ये फ्यूज है। ये क्या आपकी, ये नीचे वाली ये आपकी OLC है, ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार ये है, यानी आपका ये नीचे वाला सर्किट ब्रेकर हो गया एक तरह का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन आपका,
क्वेश्चन 23 है, निम्न चित्र में एक रिले द्वारा बना ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का वायरिंग डायग्राम दिखाया गया। तो आपको मालूम है ये वोल्टेज ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का डायग्राम है। तो अब इसमें आपको दोस्तों क्या पूछ रहा है, चित्र का अवलोकन करें कि जब ऑटो ट्रांसफार्मर के बिंदु ए के आउटपुट सप्लाई 3 पिन सॉकेट को मिलेगा तो ट्रांसफार्मर कार्य करेगा। तो बताओ दोस्तों इसमें अगर 3 पिन को सप्लाई मिलेगी यहाँ पर तो इसमें कॉन्टेक्ट आपका ट्रांसफार्मर कार्य करेगा। तो बताओ दोस्तों ट्रांसफार्मर किस प्रकार करेगा, तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपका, 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि घोषित प्रदाय वोल्टेज से लाइन वोल्टेज अधिक आ रही है तो स्टेबलाइजर में कौन सी रिले कार्य करती है। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर स्टेबलाइजर में कौन सी युक्ति कार्य करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेबलाइजर में आपकी मुख्य सप्लाई उपलब्ध हो। तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है, सॉरी 25 नहीं आ रहा, 24 पूछ रहा है, यदि घोषित प्रदाय वोल्टेज से लाइन वोल्टेज अधिक आ रही है तो स्टेबलाइजर में कौन सी रिले कार्य करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो बक रिले है तो ये बक रिले कार्य करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका, 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो यूपीएस इन्वर्टर को ऑटोमेटिक रूप से शंट ऑफ हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये शंट ऑफ कैसे होगा, तो दोस्तों ये शंट ऑफ होगा दोस्तों ओवरलोड हो जाए वह उपरोक्त ए बी सी ये तीनों भी आएंगे दोस्तों। तो इसमें मुख्य सप्लाई उपलब्ध हो, बैटरी वोल्टेज एक सीमा से कम हो और तापमान विशिष्ट मान से अधिक हो। तो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, वीडियो में लास्ट से जरूर बने रहना क्योंकि क्या पता आगे वाले क्वेश्चन भी क्वेश्चन पूछ जाए, क्योंकि आप पेपर पूरे नहीं देखते हो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हो आप कहते हो सर कहाँ से आ गए, और रियल में दोस्तों पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी को बिना कार्य में लेते समय उसे तरोताज़ा रखने के लिए खाली स्थान पर रखना पड़ता है। तो बताओ दोस्तों कैसे रखना पड़ता है, तो उसे ट्रिकल चार्जिंग पर रखना पड़ता है। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, कम मान की विद्युत धारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है, इसके कारण यह अधिक कार्य करती है। और बूस्ट चार्जिंग क्या होती है दोस्तों, बूस्ट चार्जिंग होती है आपकी अधिक मान की विद्युत धारा कम समय बैटरी को देखकर चार्ज करना बूस्ट चार्जिंग है। बूस्ट चार्जिंग में आपकी बैटरी में है उसमें बकलिंग दोष पैदा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इमरजेंसी लाइट सर्किट में बैटरी को चार्ज करने के लिए रेक्टिफायर की गई एसी और डीसी को समूथ करने के लिए जो फिल्टर कैपेसिटर है उसे सामान्य क्षमता होती है। तो बताओ दोस्तों उसकी सामान्य क्षमता क्या होती है, तो वो 1000 माइक्रोफेरेड होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें बी। क्वेश्चन है 28 नंबर, यूपीएस का पूरा नाम, तो बताओ दोस्तों यूपीएस का पूरा नाम, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया बार बार। तो दोस्तों यूपीएस का करेक्ट आंसर आएगा इसमें ए, यानी यूनिपोलर पावर सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ध्यान रखना काफ़ी बार ये इम्प्लीमेंटेड स्किल आपकी ट्रेड थ्योरी और मैथ में तीनों सब्जेक्टों में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस को वर्गीकृत किया जाता है, तो बताओ दोस्तों यूपीएस को वर्गीकृत कैसे किया जाता है 29 नंबर में। तो दोस्तों ऑफलाइन व ऑनलाइन करके वर्गीकृत किया जाता है। करेक्ट आंसर आएगा इसमें ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये भी। तो क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न चित्र में एक ऑनलाइन यूपीएस का सामान्य सिंगल लाइन ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया। सभी को पता है ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है। चित्र में लेवल 1 व 2 कौन से पार्ट को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर 1 और 2 ये कौन से पार्ट को दर्शा रहे हैं दोनों। तो बताओ दोस्तों ये कौन से पार्ट को दर्शा रहे हैं, तो दोस्तों ये दोनों है जो इनपुट ट्रांसफार्मर इनपुट फिल्टर को दर्शा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखो ये 1 वाला है ऊपर वाला, तो ये तो ट्रांसफार्मर आ गया, और ये नीचे वाला है ये कैपेसिटर आ गया। तो आपको यही पूछ रहे हैं कि किनको दर्शा रहे पार्ट 1 व पार्ट 2, तो इनपुट ट्रांसफार्मर में आ रहा है और इनपुट फिल्टर कैपेसिटर में आ रहा है। तो फिल्टर क्या हो गया आपका कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एसी 3 फेज मोटर को खोलकर ओवर हॉल करना, वाइंडिंग को साफ सूखी हवा के साफ करना, मोटर के इंसुलेशन की जांच करना, स्टेटर व रोटर के मध्य वायु अंतराल की जांच करना,
बेयरिंग में नई उचित ग्रेड की ग्रीस भरना इत्यादि प्रक्रम ऑपरेटिंग अनुरक्षण प्रक्रम है। तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सा आएगा इसमें? तो दोस्तों इसमें आएगा वार्षिक, यानी इन्हें साल में एक बार इनका इस प्रकार देख रेख कर लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो बताओ दोस्तों ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। क्या आएगा? सूर्य। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक KWH खालिस्तान KL है। तो बताओ दोस्तों एक KWH में क्या कितना वाट होता है? तो बताओ दोस्तों कितना वाट आएगा इसमें? तो इसमें आएगा दोस्तों आपका 33 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें 746, यानी एक किलोवाट में 746 क्या होता है मीट्रिक, और 735.5 होता है बीटी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, परिचालन और अनुरक्षण में सबसे सस्ता प्लॉट होता है। तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सा प्लांट होता है? तो परिचालन और अनुरक्षण में सबसे सस्ता प्लॉट बुझ रहा आपको, यानी जो हम उसमें आपका जो विद्युत उत्पादन करते हैं उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट सबसे सस्ता प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, तापीय शक्ति केंद्र में जल संशोधन विभाग का कार्य है। तो बताओ दोस्तों जल संशोधन का विभाग क्या कार्य है? तो दोस्तों बॉयलर के लिए भरण पानी की व्यवस्था, पीने के पानी का शोधन, ठीक है दोस्तों, और टर्बाइन को ठंडा करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त में ए और बी दोनों से आएगा, यानी ए से आएगा और बी, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता लगभग खालिस्तान होती है। तो बताओ दोस्तों थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी 25-26% के लमसम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, थर्मल पावर स्टेशन में सुपर हीटर खालिस्तान को गर्म करता है। तो बताओ दोस्तों सुपर हीटर किसको गर्म करता है? तो भाप को गर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, भारत में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग में इकाई क्षमता क्या होती है? तो बताओ दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में इकाई क्षमता लगभग कितनी होती है? तो वो दोस्तों होती है आपकी 500 MVA 500 MV। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों आपका, डीजल शक्ति केंद्रों में अल्टरनेटर होते हैं। तो बताओ दोस्तों डीजल शक्ति केंद्रों पर अल्टरनेटर कैसे होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं आपके सेल्फ एक्साइटिंग ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग, यानी करेक्ट आंसर आएगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, गैस टर्बाइन में उपयोग होने वाला ईंधन होते हैं। तो बताओ दोस्तों गैस टर्बाइन में उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों गैस ईंधन में उपयोग होने वाला आपका ईंधन है, इसमें आपका जो ईंधन आएगा ये गैस ईंधन आएगा और द्रव ईंधन आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें डी, यानी ए व डी बी। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है दोस्तों आपका, गैस टरबाइन में जलते हुए ईंधन से आगे कुछ वायु प्रवेश कराई जाती है ताकि टरबाइन में प्रवेश करने वाली दहन उत्पादन के तापमान को कम किया जा सके। टरबाइन में प्रवेशित दहन उत्पादन का तापमान लगभग होता है, तो बता दोस्तों इसका तापमान कितना होता है लगभग? तो ये 650 डिग्री से लेके 825 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जल विद्युत शक्ति केंद्रों में अवराधक नल होता है। तो बता दोस्तों इसमें अवराधक नल क्या होता है? तो ये अग्रताल या हिलोताल तालाब और टर्बाइन के वक्र रेखा खोल को मिलाने वाली पाइप होती है। तो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है दोस्तों आपका, परमाणु शक्ति केंद्र में प्रयोग होने वाले मंदक में निम्नलिखित गुण होते हैं। तो बताओ दोस्तों इस मंदक में क्या गुण होते हैं? तो दोस्तों इसमें होते हैं आपके मंदक होता है, इसमें गुण होता है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा इसमें आंसर आएगा डी, यानी द्रव अवस्था वाला मंदक निम्न क्वथनांक वाला होना चाहिए, वह उपरोक्त ए बी सी भी होगा दोस्तों इसमें। तो इसमें ठोस वाला भी होता है, द्रव वाला भी होता है, और आपका दोस्तों मंदक को प्रारंभिक न्यूटनों को धीमा करने की सक्षम होता है और हल्का भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा दोस्तों 43 में डी। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों आपका, सभी शक्ति केंद्रों में तुलनात्मक रूप में सबसे कम ईंधन की मात्रा खर्च करने वाला केंद्र है। तो बताओ दोस्तों सबसे कम ईंधन मात्रा कहाँ खर्च होगी? तो नाभिक पावर प्लांट में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, सौर ऊर्जा से पानी शुद्ध करने वाले उपकरण को खालिस्तान नाम से पुकारा जाता है। तो बताओ दोस्तों, शुद्ध पानी करने के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत काम में लिया जाता है इसमें? तो इसमें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों सौर विलवणीकरण संयंत्र, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, बायोगैस संयंत्र में मलमूत्र के सड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में बार बार भी पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसे किण्वन कहते हैं, क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों आपका, जब संचारण लाइन 1000 किलोमीटर से कम लंबी व वोल्टेज 220 केवी से हो तो संचरण प्रणाली प्रयुक्त रहती है। तो बताओ दोस्तों यह संचरण प्रणाली कहाँ प्रयुक्त होती है? तो यह एसी परिपथ में प्रयुक्त होती है, यानी एसी सा, करेक्ट आंसर आएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चित्र में एक पॉली मॉड्यूलेशन सब स्टेशन का लाइन डायग्राम दिखाया गया है, चित्र का अवलोकन करके बताएगी सेकेंडरी साइड के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति अपनाई गई है। तो बताओ दोस्तों ये सेकेंडरी साइड में जो सुरक्षा युक्ति लगाई गई है ये कौन सी सुरक्षा युक्ति है दोस्तों? तो दोस्तों ये ओएल सर्किट ब्रेकर है, यानी आपका क्वेश्चन में देख लो यहाँ पर ओसीबी लिखा था, ओएल सर्किट ब्रेकर, तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें डी, यानी ओएल सर्किट ब्रेकर इसकी सेकेंडरी कुंडली में संयोजित की गई है। तो करेक्ट आंसर 48 में डी। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों आपका, स्विच गियर एक ऐसी युक्ति होती है जो खालिस्तान में प्रयोग की जाती है। तो बताओ दोस्तों स्विच गियर कहाँ प्रयोग की जाती है? तो ये विद्युत परिपथ व विद्युत उपकरणों के स्विचिंग कंट्रोलिंग व सुरक्षा करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट का इस पेपर में, क्वेश्चन लास्ट है, निम्न चित्र में कुछ रेलवे के संकेत दिखाए गए हैं, चित्र में से उस रेलवे की कुंडली की पहचान करें जिस पर ध्रुवता अंकित होती है, यानी जिस पर ध्रुव लिखे होते हैं, फेज का या न्यूट्रल का होता है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी यहाँ पर पी लिख लगा तो फेज का, इधर ये आ गया आपका न्यूट्रल का। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ITI सेकेंड ईयर के 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके वर्कशॉप के एक्सरसाइज के पेपरों का एनालिसिस कराएंगे, इसके बाद इंप्रूवेटिव स्किल, बाद में जो बच्चे बोलेंगे उस ट्रेडों के पेपर डालेंगे, और उसके बाद वापस से आपके इन्हीं पेपरों का दूसरे पेपरों का एनालिसिस कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए।